बुध ग्रह सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बुध ग्रह से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस ग्रह का अंग्रेजी नाम मर्क्यूरी है, जो कि रोमन देवता के नाम के आधार पर रखा गया था। इस ग्रह का यह नाम इसकी तीव्र घूर्णन गति के कारण भी दिया गया था। इस ग्रह की खोज की अगर बात करें तो इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। गैलीलियो गैलीली ने इसे पहली बार टेलीस्कोप की मदद से देखा था। सौरमंडल में बुध और शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा नहीं है। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 पृथ्वी दिन में करती है। बुध ग्रह बाकी सभी ग्रहों से तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करता है, लगभग 1,80,000 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसे हम सेकेंड में बात करें तो यह एक सेकेंड में 47 किलोमीटर लगभग यात्रा कर लेता है। इसी के अगर कंपेयर में बात करें पृथ्वी का, तो पृथ्वी लगभग 1,70,000 किलोमीटर की गति से सूर्य की परिक्रमा करती है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी एक सेकेंड में लगभग 30 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। अगर इसकी आकार की बात की जाए तो बुध ग्रह का व्यास 4,879 किलोमीटर है, जो कि इसे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बनाता है। यह आकार में हमारे पृथ्वी के चंद्रमा के बराबर है। शनि के चंद्रमा टाइटन और बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड से भी इसका आकार छोटा है। सूर्य के अत्यधिक नज़दीक होने के कारण बुध ग्रह का वायुमंडल बहुत कमजोर है। साथ ही अत्यधिक गर्म होने के कारण यह वायुमंडल अस्थायी नहीं रह पाता और इसके कारण उड़कर अंतरिक्ष में चला जाता है। बुध ग्रह का वायुमंडल निम्न घटकों से मिलकर बना है। ऑक्सीजन 42%, सोडियम 29%, हाइड्रोजन 22%, हीलियम 6% तथा अन्य तत्व जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियोन तथा जलवाष्प इसमें 0.5% मौजूद है। बुध ग्रह के दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर पाया जाता है। दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात का तापमान नीचे गिरकर -173 डिग्री तक चला जाता है। बुध ग्रह को सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद में आसमान में हमें खुली आंखों से दिखाई दे जाता है। बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 59 दिन के बराबर होता है। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर अंडाकार पथ पे लगाता है, जिसके कारण इसकी निकटतम दूरी 4,60,00,000 किलोमीटर है तथा अधिकतम दूरी 7 करोड़ किलोमीटर है। इस ग्रह की पृथ्वी से औसत दूरी लगभग 231 मिलियन किलोमीटर है। अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन 38 किलोग्राम होगा। बुध ग्रह की स्केप वेलोसिटी 4.25 किलोमीटर पर सेकेंड है, अर्थात ये कि अगर आप इसके वातावरण से बाहर निकालना चाहते हैं तो हमारी स्पीड 4.25 किलोमीटर पर सेकेंड या इससे अधिक होनी चाहिए। जबकि हमारी पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो यह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अंतरिक्ष विज्ञानी हमेशा से ही बुध के बारे में जानने के लिए प्रयासरत रहे हैं। सूर्य से बहुत नज़दीक होने के कारण और उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में आने के कारण बुध ग्रह के लिए किसी भी प्रकार का अंतरिक्ष यान भेजना हमेशा ही मुश्किल रहा है। बुध की कक्षा में पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित स्पेसक्राफ्ट मैरिनर 10 था। मैरिनर 10 ने 1974 और 75 में दो बार बुध ग्रह का चक्कर लगाया। इसने बुध ग्रह के हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचकर पृथ्वी को भेजी। सन 2008 में नासा ने अपना दूसरा बुध मिशन मैसेंजर लॉन्च किया, जिसे
बुध की सतह से केवल 200 मीटर की दूरी पर स्थापित किया गया। इस मिशन ने बुध का नक्शा बनाने और उसके वायुमंडल के अध्ययन में सफलता दिलाया। सन 2018 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान स्पेस एजेंसी ने बुध ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष मिशन बेपी कोलंबो लॉन्च किया था। यह स्पेसक्राफ्ट सन 2025 तक बुध पर पहुंचेगा, जिससे और कई नई जानकारी सामने आएंगी। इस ग्रह की सतह पृथ्वी, शुक्र और मंगल की तरह ही एक कठोर सतह वाला ग्रह है। बुध ग्रह की सतह अलग अलग तरह की चट्टानों से मिलकर बनी है। इसकी सतह पर बड़े बड़े गड्ढे और क्रेटर हैं, जो शायद उल्का पिंडों के टकराव की वजह से बन गए हैं। इन गड्ढों में कई तो बहुत बड़े और लंबे हैं, जिनकी लंबाई सैकड़ों किलोमीटर और गहराई 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। यह पृथ्वी के बाद सबसे ज़्यादा घनत्व वाला पिंड है। बुध पृथ्वी से 26 गुना छोटा है। इसका आंतरिक भाग सिलिकेट और मेटल से बना हुआ है। इसके आंतरिक भाग को 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। सबसे अंदर का भाग कोर, बीच का भाग मेटल तथा बाहरी भाग क्रस्ट कहलाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको बहुत कुछ इससे नई जानकारी मिली होगी, तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।